अब सिक्कों के लिए आपको भटकना नहीं पड़ेगा। अभी आप एटीएम मशीन पर पैसे निकाले जाते हैं तो एटीएम कार्ड डालकर खरे नोट बाहर निकलते हैं, मगर अब एटीएम से सिर्फ करेंसी नोट ही नहीं सिक्के भी बाहर निकलेंगे। इसके लिए क्यूआर आधारित वेंडिंग मशीन लगाई जाएगी। शुरुआत में 12 शहरों में वेंडिंग मशीन लगाई जाएगी। इन मशीनों की खासियत ये होगी कि इनसे सिक्के निकालने के लिए आपको नोट देने की जरूरत नहीं है। ये मशीनें क्यूआर आधारित होंगी, यानी आपको सिर्फ क्यूआर कोड को स्कैन करना है और आपके यूपीआई खाते से पैसे का भुगतान करके सिक्के ले सकेंगे। आरबीआई गवर्नर ने बताया है कि ये पायलट प्रोजेक्ट सफल रहा तो इन मशीनों के जरिए सिक्कों के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बैंकों को भी गाइडलाइंस जारी की जाएगी। इट्स एन अनाउंसमेंट व्हिच इज अगेन फॉर द बेनिफिट ऑफ द कॉमन पर्सन। दिस रिलेट्स टू क्यूआर कोड बेस्ड कॉइन वेंडिंग मशीन and launching of a pilot project. The Reserve Bank of India will launch a pilot project on QR code based coin vending machine in 12 cities. These vending machines will dispense coins against debit to customers' account using UPI instead of physical tendering of bank notes. This will enhance the ease of access to coins. Based on the learnings from the pilot, guidelines will be issued to banks to promote distribution of coins using these machines. In coin vending machines se koi bhi grahak apne UPI app ke zariye machine ke upar lage QR code scan karke sikke nikalne mein saksham hoga. Jitni kimat ke sikke grahak nikalega, uske registered bank account se wo rashi debit ho jayegi. Bilkul aasan process se जिस तरह आप एटीएम पर जाकर अपने डेबिट कार्ड के जरिए नोट निकालते हैं, वैसे ही इस मशीन से आप क्यूआर कोड स्कैन कर सिक्के निकाल सकेंगे। इसका मकसद देश में सिक्कों की किल्लत दूर करना है। कॉइन वेंडिंग मशीन्स को रेलवे स्टेशन, मॉल्स और मार्केट्स पर लगाया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद आरबीआई कॉइन वेंडिंग मशीन्स पर बैंक्स के लिए गाइडलाइंस जारी रहेगा। हाल ही में आरबीआई ने डिजिटल करेंसी को लेकर बी पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। पहले चरण में दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में इसे लॉन्च किया गया था। सिर्फ भारतीय स्टेट बैंक, ICICI बैंक, यस बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक में ही ग्राहक डिजिटल करेंसी में लेन देन कर सकेंगे। RBI का ई रुपए ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित है। अगर पायलट प्रोजेक्ट सफल रहा तो आने वाले दिनों में इसे पूरे देश में लॉन्च कर दिया जाएगा।